तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होती है मर्डन मुबारक नाम से एक मूवी है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज में इसके बारे में एक आर्टिकल आता है जिसमें इस मूवी को पांच में से ढाई की रेटिंग को दी जाती है और बस्तर मूवी भी दिखाई जाती है उसमें उस मूवी को ए की रेटिंग मिली होती है उसके अलावा योद्धा मूवी होती है उसको भी शायद एक की रेटिंग मिली होती है कैर जब इस मूवी को ढाई रेटिंग मिली होती है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर तो मुझे लगा कि यार शायद इस मूवी को देखना चाहिए मैंने वहीं से डिसाइड किया यार इस मूवी को देखें या ना देखें लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के मैं सिर्फ ढाई रेटिंग मैंने नहीं पढ़ा कि उसके बारे में उसके बारे में, जो इस मूवी है मर्डर मुबारक इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है वहां पर खैर जब मैं इस मूवी को देखने से मतलब देखने पहुंचा उससे पहले मैंने इसका ट्रेलर देखा लेकिन ट्रेलर मुझे कोई इतना ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं लिखा फिर भी सोचा कि यार इस मूवी को एक बार तो देख ही ले क्योंकि यार न्यूज़पेपर के बारे में इसको ढाई रेटिंग दे रहे हैं उसके बारे में हम मतलब बताया जा रहा है खैर तो इस मूवी की जो स्टोरी है एक तरीके से ये मिस्ट्री के मतलब जैसे आपने या तो उसका कातिल का पता लगाना होता है तो सबसे बड़ा टास्क तो यही होता है ना जो फिल्म निर्माता होते हैं या फिर जिसने कहानी लिखी होती है यही की जो जो मर्डर जिसने मर्डर किया है उसके बारे में पता ही ना चल पाए आखिर में सस्पेंस खोलता है वो एक सस्पेंस आपको पूरी मूवी में बांधे रखता है कि भैया कौन है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है बहुत सारे लोग आपके सामने रखे जाते हैं सो so, सबसे बड़ा टास्क वही होता है फिर उसके बाद आता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे चलती है भाई जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला जो ऑफिसर होता है या कोई भी व्यक्ति होता है वो इतने बढ़िया तरीके से आपको बांध के रखने की कोशिश करता है कि आप उस पूरी मूवी के दौरान उसके साथ कनेक्ट रहो क्या ये स्टोरी मर्डर मिस्ट्री के ऊपर ऐसी बता रहा हूँ कि ऐसी होती हैं ये मूवी के अंदर कैसी स्टोरी है उसको भी हम डिस्कस करेंगे वैसे मूवी के अंदर काफी सारे कलाकार हैं जैसे पंकज त्रिपाठी जी हो गए जिन्होंने एसपी का जो एएसपी भवानी सिंह का किरदार निभाया इसके अलावा सारा अली खान संजय कपूर करश्मा कपूर डिम्पल कपाड़िया और भी विजय वर्मा जी हो गए इसमें और भी काफी सारे कलाकार हैं लेकिन मैं ये कहूंगा कि यार इतने सारे कलाकार होने के बावजूद भी ये मूवी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है मतलब इतने सारे आप देखते हैं कि यार ये वाला कलाकार है इसकी एक्टिंग आपको अच्छी लगी होगी आप उस उम्मीद में इस मूवी को देखने के देखने के लिए सोच रहे होंगे यार इसके लिए इस मूवी को देख लेते हैं खासकर मैंने जो मूवी है वो पंकज त्रिपाठी जी के लिए ही देखी है क्योंकि मुझे उनकी जो जो एक्टिंग करते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस होती है मुझे वो बहुत पसंद आती है और सच कह इस पूरी मूवी को मैं देखने का श्रेय मतलब कि पूरी मूवी को मैं देख पाया उसका पूरा श्रेय मैं पंकज त्रिपाठी जी को ही दूंगा वैसे ये मूवी लगभग ढाई घंटे के आसपास है और इस मूवी को देखने मुझे दो दिन लग गए अब दो दिन इस मूवी को देखने में लग गए रीजन कि भैया इतनी लेंथ तो है नहीं इसके ढाई घंटे की मूवी को दो दिन में कैसे देखू रीजन बड़ा साफ सा है क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है भाई साहब इतनी ज्यादा सुस्त है ढीली है मतलब आपको नींद आने लग जाएगी दिल्ली का एक रॉयल बार होता है उसके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं वहां पर एक लियो नाम की किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है अब जो आ, एस जो है भवानी सिंह वहां जाता है बहुत सारे जो लोग हैं जो मेंबर हैं उस रॉयल बार के उनके ऊपर सबके ऊपर शक होता है कि भाई किसी ने किसी उस इंसान का कत्ल किया क्योंकि सबके साथ ही कुछ ना कुछ उसके साथ तालमेल दिखाए जाते हैं जैसा हमें ताकि हमें लगे कि यार इस व्यक्ति ने भी क्या, किया हो सकता है या उस व्यक्ति ने भी किया हो सकता है खैर वही चीजें इसके सामने निकल कर आती है भले इस मूवी की स्टोरी की बात कर लो या फिर आप इस मूवी में परफॉर्मेंस की बात कर लो या

वो यहाँ पर देखने को मिलता है तो लगता है कि यार नहीं जो इतने सारे कलाकार इस मूवी के अंदर है उनका जो एक उनके अंदर जो क्षमता है जो इनकी अभिनय जो निभाते हैं अभिनय करते हैं उनका सही से यूज नहीं हो पाया इस मूवी में वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा एक लगेगा कि यार इतनी ज्यादा कमी है इस मूवी में पंकज त्रिपाठी जी को मैंने देखा वो एकदम सुस्त से लगे हैं इस मूवी में मतलब फिलहाल मैं जैसे कहूंगा मैं जैस स्टार्टिंग में कहा कि मैंने उन्हीं के ही द्वारा मतलब उन्हीं के ऊपर ही ये मूवी देखी है मुझे उन्हीं की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही थी भई वो कैसे केस को सुलझाएंगे तो उन्हीं के ऊपर ही मैंने पूरी मूवी देख ली बाकी अगर कलाकार अगर उनको हटा दे तो मुझे नहीं लगता था कि मैं इस मूवी को मैं कंप्लीट भी कर पाता मैं कहीं ना कहीं इस मूवी को बीच में ही छोड़ देता डायलॉग की बात करूं तो यार सच में कई-कई चीजें तो ऐसी थी जो बिना सर पैर की थी ऊपर से जा रही थी कुछ इतने ऐसे सीन इसके अंदर थे जिनकी कोई भी जरूरत नहीं थी मूवी के अंदर भले ही उनको निकाल भी देते अरे ढाई घंटे की मूवी है इसको आप चाहते तो वही डेढ़ घंटे से पहले पहले खत्म कर देते मर्डर हुआ वो एक जो लास्ट की स्टोरी है वो बता देते बस बात खत्म मूवी में जो इंटरेस्ट बनता है ना वो लास्ट में जाकर ही बनता है जिसमें आपको पता चल रहा होता है कि भैया कातिल कौन है क्यों किया कातिल मतलब क्यों किसने कतल किया ये वगैरह वगैरह वो लास्ट में थोड़े कुछ चंद मिनट ही आपको लगेगा यार ये मूवी का बस थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा है बाकी तो नहीं लगने वाला यार परफॉर्मेंस में कृष्णा कपूर भी है यहाँ पर बस नाम नाम की है कोई भी उनका कोई रोल है नहीं मूवी के अंदर बस दिखा दिया करिश्मा कपूर है सारा अली खान है सारा अली खान का भाई क्या रोल रहता है

कुछ एक लास्ट के जो चंद मिनट है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि कातिल कौन है वहां पर थोड़ी बहुत आंखें खुली रही वरना तो भाई साहब इस मूवी ने अच्छे से सुलाई दिया था अब एक जो चीज़ आती है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे की गई भैया उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है आपका कितना इंटरेस्ट इसके अंदर बना रहा वो भी इसमें कुछ खास नहीं था कोई बढ़िया इन्वेस्टिगेशन मुझे नहीं लगी शुरुआत में आप जब इस मूवी को देखनेंगे जब करेक्टर आपसे इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा डल है एकदम बोरिंग सा महसूस होता है और आप कहीं कही ना कहीं लगेंगे यार इसको स्किप कर दें आगे निकल जाए आगे देख लेते हैं आगे क्या हुआ ऐसा मेरे साथ फील हुआ था कि मैं यार इनको छोड़ के लास्ट में आते हैं ना यार कतल हो गया ठीक है लास्ट में पता करते हैं कि कौन क्या है क्योंकि कोई भी मजा नहीं आ रहा था मूवी को देखने में यार मेरी तरफ से तो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा टू आउट ऑफ टेन अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कॉमेंट करना की आप लोगों को कैसी लगी अगर नहीं देखे तो रिव्यू आपके सामने आप अपने विवेक के आधार पर इस मूवी को देख सकते हैं तो आज के लिए इतना था थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद